वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, हम जो आज तक अभी तक तीसरे चैप्टर में जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था विभव प्रवणता का, उससे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं आज। तो एक न्यूमेरिकल है जिसको हम आज देखते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। विभव है वी बराबर 343 बटे आर वोल्ट। ठीक है, स्थिति सदिश इसका दे रखा है आर सदिश बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप पर विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना। तो देखिए, हमने विभव प्रवणता के जो सूत्र पढ़े हैं उसमें वी बराबर एक आया था आपके पास माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर इंटू आर कैप। ध्यान है क्या, एक सूत्र हमारा विभव प्रवणता का ये आया था, एक वी बराबर आया था आपके पास ई बराबर माइनस का डेल वी, और एक हमारे पास इसको ही आगे लिख सकते हैं ई बराबर डेल का क्या सूत्र था माइनस का, इसमें था डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, इन तीनों सूत्रों से रिलेटेड जो सवाल हैं जो बोर्ड में हमारे से पूछे जाते हैं उनको हम आज समझेंगे। एक सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सवाल मैं आपको और समझाऊँगा इससे रिलेटेड, एक सवाल इससे रिलेटेड, इस सूत्र से रिलेटेड, और एक सवाल इस सूत्र से रिलेटेड। ठीक है, और एक सवाल आपको करने के लिए देंगे। तो पहले इस सवाल को समझते हैं, हमें विभव का मान दे रखा है और स्थिति सदिश दे रखा है, और क्या पूछ रहा है बेटा हमारे से पूछ रहा है, ई बराबर है, ये ध्यान दें, ई बराबर है माइनस का डेल वी अपॉन डेल, हमसे पूछा है विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र पूछा है तो आपको ये ध्यान देना है कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के विभव दे रखा हो और विद्युत क्षेत्र पूछा हो तो ई और वी में संबंध ये है, हमारे पास तीन संबंध है ये, इन तीनों से कोई ना कोई हमारे पास हल निकलेगा। तो पहले देखो, इस सूत्र से विद्युत क्षेत्र अगर अपन ज्ञात करें तो हमें क्या चाहिए, हमें जो विभव है वो चाहिए एक्स वाई जेड फॉर्म में। किस फॉर्म में चाहिए, एक्स वाई जेड फॉर्म में। क्या विभव आपके पास एक्स वाई जेड फॉर्म में है, नहीं है, इसका मतलब ये सूत्र तो नहीं लगेगा। अब इसको देखते हैं, ई बराबर माइनस का डेल वी, जो ये सूत्र है इसी का एक्सप्लेनेशन ये है, तो इसका मतलब ये सूत्र तो नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, ई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर, जो विभव का मान है वो आर के रूप में दे रखा है, तो इसका मतलब हम इस सूत्र का उपयोग करके इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा, हमारे पास सूत्र है तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी ई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर इंटू आर कैप। ठीक है, अच्छा वी का मान आपको दे रखा है तो हम लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डेल अपॉन डेल आर, और वी का मान है 343 बटे आर इंटू आर कैप, बोलो नहीं क्या। इसका मतलब ये हो गया कि 343 बटे आर का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। डेल ऑफ डेल आर या डी वी डी अपॉन डी आर, तो ये चाहे डी अपॉन डी आर बोल दीजिए और चाहे डेल अपॉन डेल आर बोल दीजिए, दोनों का मतलब है अवकलन। ठीक है, तो इसका अवकलन कर देते हैं, तो देखिए ई बराबर माइनस का अच्छा कॉमन क्या है इसमें, 343 जो संख्या है उसका कभी अवकलन नहीं होता, कांस्टेंट है, और डेल ऑफ डेल आर एक बटे आर इंटू आर कैप चल ही रहा है। ठीक है, एक बटे आर का अवकलन बताइए क्या होगा, तो एक बटे आर का अवकलन करते हैं तो ई बराबर माइनस का 343, और इसका अवकलन बताइए, देखो मैं आपको बता दूं, डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर एन का आपके पास क्या था अवकलन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ध्यान है कहिए अवकलन। अच्छा, इसका उपयोग करके अगर इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं डी डेल ऑफ डेल आर आर की पावर माइनस एक इंटू आर कैप, माइनस एक क्या है यहाँ, एन है, तो इसको सूत्र के रूप में बदले तो क्या लिख सकते हैं, तो ई बराबर आपके पास आ जाएगा बराबर माइनस 343, बताओ
तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का एक, माइनस एक को लिखो चाहे मैं लिखूँ, और फिर है आर माइनस एक माइनस एक, क्योंकि एन माइनस वन है तो एन तो है माइनस एक, तो माइनस एक इन टू आर कैप। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं इसको, तो E इज इक्वल टू आपके पास आ गया। अच्छा बताओ माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ गया 343, और यहाँ से आ गया आर माइनस एक और माइनस एक माइनस के दो, तो आ गया यहाँ पे आर माइनस दो इन टू आर कैप। आर माइनस दो को नीचे लेके आएंगे तो E बराबर आ जाएगा 343 बटे आर स्क्वायर इन टू आर कैप। बोलो क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? कुछ नहीं किया हमने, क्या किया एक बटे आर का अवकलन किया है और कुछ नहीं किया। क्या किया हमने? एक बटे आर का अवकलन, और एक बटे आर का अवकलन क्लियर हो गया, क्या आएगा आर स्क्वायर, एक बटे आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हाँ कैप को और चेंज कर देते हैं, एकांक सदिश है तो देखो हम जानते हैं कि आर कैप बराबर क्या है, आर सदिश बटे आर, अरे याद है क्या, तो वहाँ पे रख देते हैं इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ध्यान से देखो इसको रफ कर देते हैं हम, यहाँ से रफ कर, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास आ जाएगा E बराबर 343 बटे आर स्क्वायर, और आर कैप को लिख सकते हैं, आर कैप मतलब एकांक सदिश को हम लिख सकते हैं आर सदिश बटे आर, तो E आपके पास आ जाएगा 343 बटे आर क्यूब इंटू आर सदिश। ठीक है, आर एक चीज़ ध्यान रहे कि जो नीचे R है वही तो R सदिश का परिमाण है, मैंने बताया था R और R सदिश का परिमाण एक ही होता है, यानी कि समान होता है, अदिश प्राप्त होता है। अब हम R का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, R हमारे पास ये रहा, तो हम लिखेंगे प्रश्न से आर सदिश बराबर आपके पास है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप। परिमाण निकालेंगे तो आर सदिश का परिमाण निकालने का सूत्र ध्यान है क्या, आर सदिश का परिमाण ही तो आर है, परिमाण निकालने का सूत्र है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर बराबर आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 9 49, तो आर बराबर आ गया, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देते हैं अपन, तो R बराबर आ गया आपके पास अंडर रूट 49, और 49 का रूट क्या हो जाएगा R बराबर 7। ठीक है, ये R बराबर 7 यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा E बराबर 343 बटे R क्यूब था ना, कैप को चेंज कर लिया था है ना, हाँ जी, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यूब का मतलब 7 का क्यूब, R क्यूब का मतलब, और यहाँ R सदिश E बराबर 343 और 7 का क्यूब करेंगे तो भी आएगा 343, और R सदिश का मान ये रहा, इसका मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप। ठीक है, 343 से 343 कैंसिल हो जाएगा, 7 का क्यूब करके देखना, 7 × 7 × 7। ठीक है, तो E बराबर आपके पास आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप। ये आपके पास आ गया विद्युत क्षेत्र, ये तो आ गया विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में। ठीक है, अगर इसका परिमाण हमें ज्ञात करना है तो विद्युत क्षेत्र का अगर मान अदिश रूप में इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, ये तो सदिश रूप में है, तो E बराबर आपके पास आ जाएगा, बताओ भाई इसका परिमाण ज्ञात कर देंगे, और परिमाण क्या आएगा, अभी अपन ने R का परिमाण ज्ञात किया था वही आएगा सेम, क्योंकि ये R ही तो है विद्युत क्षेत्र, तो वो आ जाएगा 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ऐसे सवालों को जब भी हल करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो वैल्यू है V की वो किस रूप में दे रखी है, अगर E पूछा है तो E और V में संबंध ये 3 है,
इनको सॉल्व करेंगे और इसी तरह से इसको हल करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक है, एक और जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में करवाता हूँ उसको, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इस बार हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बुक के क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं बहुत बार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।